नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीटेट 20 अगस्त 2023 को जो हमारा पेपर 2 हुआ था, इंग्लिश का पूरा प्रश्न पत्र हल देखेंगे। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की एक झलक अब आपको दिखा दें। यहाँ पर आपको आंसर की मिलाने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो देखिए हमने सीधे क्वेश्चन पेपर के माध्यम से इसका सोल्यूशन किया, जिससे आप तुरंत के तुरंत आप लोग अपने नंबर चेक कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सीधे क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। और आपको बता दें, जो बच्चे इंग्लिश लेते हैं और वो पेपर ठीक है 2 में, और देखिए आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी सिलेक्ट करते हैं। लैंग्वेज 1 में दोस्तों मैक्सिमम बच्चे हिंदी लेते हैं, और लैंग्वेज 2 में आप क्या लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज 2 में ली जाती है वो हमेशा 121 से ही शुरू होती है, याद रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए डायरेक्शन दिया गया था, और ये दोस्तों एफ है, सीरीज एफ से ये हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन आपके आगे पीछे हो, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों पहले आपको डायरेक्शन ये था, ये पढ़ना था पूरा अच्छे से। सीधे हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो सही आंसर था 121 का, ये दोस्तों था हमारा ए। बी एंड सी आर करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। मतलब बी और सी सही है और ए वाला गलत है। बी में क्या था दोस्तों, यंग पीपुल इन द एज ग्रुप ये था, और सी में दोस्तों दीज यंग पीपुल कम टू द लर्न ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर। वाई डू यंग पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दीज कैंप्स। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प है, टू इम्प्रूव देम सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टू प्रिपेयर देम सेल्फ एंड गेट वार्म अप फॉर द बिजी डे अहेड द यंग पीपुल। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प होगा, ठीक है। पार्टेक इन सम आउटडोर गेम। ये दोस्तों वीडियो हम इसलिए बना रहे ताकि आप लोग अपने नंबर चेक कर लीजिए। अगर आपका 90+ आ रहा है तो आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है। अगर आपका 90 से कम आ रहा है, जो भी बच्चे अदर स्टेट से हैं ठीक है, फिर उनको 90 नंबर लाने के लिए सीटेट दिसंबर का भी पेपर देना पड़ेगा। 124 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, इन द आफ्टरनून विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन कैम्प मेंबर नॉट सिलेक्ट। इसका सही आंसर होगा चौथा, योगा एंड पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। 125 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, द कैंप्स आर ठीक है जस्टिफाइबली नेम्ड रीच आउट बिकॉज। इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प, मेंबर्स आर इनकरेज टू कोलेबरेट विद द नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है इसको टिक करना था। अगला क्वेश्चन कह रहा, ऑल द 7 डेज एट द कैंप आर। इसका सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, नॉट द सेम रूटीन वाइज, ठीक है इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस गिवन बिलो। दे ऑल्सो मीट मैनी अदर पीपुल हु हैव द सेम इंटरेस्ट एंड बिलीव। इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प, एडवर्ब एंड नाउन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी कॉन्फिडेंट साई एवरेज के साथ क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा दूसरा विकल्प, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। फिर उसके बाद देखिए आपके लिए डायरेक्शन दिया गया था, आपको इसको पढ़ना था अच्छे से, उसके बाद आप इसको आंसर टिक करेंगे। 129 क्वेश्चन पर सीधे आते हैं, हाउ मैनी बॉयज हैड मिस्ड स्कूल टू गो फिशिंग टू द कैनल डेट डे। इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प, ठीक है 4। अगला क्वेश्चन कह रहा, द वर्ड लेजी इन द फ्रेज अ स्मॉल लेजी स्ट्रीम ऑफ डर्टी वाटर मीन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्लो, चौथा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा, वाई डिड द बॉयज हार्ट ग्रो ब्रेवर बाय द, ठीक है इसका सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, दे कुड नो लॉन्गर सी द स्कूल बिल्डिंग। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी जल्दी हम आंसर देख रहे हैं ताकि आप लोग मिला लें ऑफिशियल आंसर किसे, यही आपका फाइनल नंबर होगा। 132 क्वेश्चन कह रहा, वेयर शुड द बॉयज हैव बीन एट द टाइम ऑफ द डे। इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प, एट द स्कूल। 133 क्वेश्चन नंबर क्या रहा हमारा, अरेंज दीज सेंटेंसेस एज पर द सिक्वेंस इन विच दे अकर इन द पैसेज। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा पहला विकल्प, सी ए बी और डी, ठीक है। मतलब पहले दोस्तों ये होगा ग्लेन क्लाइम्ड, फिर ए में क्या था ग्लेम क्लिम्ड, फिर बी में क्या था सून हिज फ्रेंड्स, और डी में था द बॉयज कॉट फिश इन द डर्टी वाटर। अगला क्वेश्चन क्या रहा, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है ये दिया गया था। इसका सही आंसर होगा सेकेंड, वर्ब एडजेक्टिव, ठीक है इसको टिक करेंगे। 135 क्वेश्चन नंबर क्या आता है, कंप्लीट द वर्ड एनोलॉजी, ठीक है
इसका सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग टिक करके एकदम अपने आंसर मिलाते चलिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दिया गया है, इन विच मेथड डज द लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन टीचिंग। सही आंसर क्या होगा इसका बताइए, चौथा विकल्प, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, 137 क्वेश्चन नंबर, चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी सिंस अराइविंग। इसका सही आंसर सीधे देखते हैं, हो जाएगा सब्ट्रैक्टिव। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। इसका चौथा विकल्प सही होगा, यूजिंग अ प्रिडिक्शन टास्क। अगला क्वेश्चन क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिमीडियल टीचिंग। इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या रहा, 140 नंबर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, और रीजन इसका दिया गया था, इसका सीधा सही आंसर देखते हैं, ए सही होगा आपका, और जो ये था इसका रीजन था ये गलत होगा। 141 नंबर क्वेश्चन क्या था, देखिए जो बच्चे पेपर देख रहे हैं उनको सब पता है, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा सीखिएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर्स ऑफ अ लैंग्वेज। इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प, लैंग्वेज इज स्टैटिक। 142 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको पहले पढ़ना था। ठीक है, प्रमोटिंग स्टूडेंट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, और दोस्त इसका रीजन था रिकॉलिंग का कि द प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स स्टूडेंट कनेक्ट द नोन नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। इसका सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लानेशन। ठीक है ना। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ, अ टीचर ऑफ क्लास 8 आस्क द लर्नर्स टू, ठीक है, प्रोड्यूस अ लीफलेट अबाउट सेविंग एनर्जी एट होम एज एन असाइनमेंट, दिस टास्क विल कैटर टू विच फीचर ऑफ लैंग्वेज। इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों 144 नंबर, वाइल प्लानिंग अ लेसन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल लर्नर्स टू प्रोड्यूस टिपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन विथ कस्टमर, दिस ऑब्जेक्टिव मैचेस विथ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, लेटर। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू लुक एट द फोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द पिक्चर एंड डिस्कस वाई दे आर यूज इन डिफरेंट म्यूजिकल कंटेक्स्ट, चूज द, ये था दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा एनालाइजिंग। ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, व्हेन मोनोलैंग्वेज स्पीकर्स मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीच विद इन द सेम स्पोकन आर गेस्टेड आइडिया दे आर इंगेजिंग इन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा चौथा विकल्प, कोड स्विप स्विचिंग। ठीक है ना। 147 क्वेश्चन नंबर क्या था, चिल्ड्रेन इनफॉर्मल इंटरेक्शन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद अदर्स इन दियर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन दियर यूज ऑफ विच फ्रॉम अ लैंग्वेज। इसका सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, लैंग्वेज सोशलाइजेशन। 148 क्वेश्चन नंबर, इन द केस ऑफ वोकैबुलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे ऑफ लर्नर्स टू, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा पहला विकल्प, कंबाइंड लेक्सिकल आइटम टू इन टू मतलब मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासरूम रिसोर्सेज फॉर लर्नर इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प, क्लासरूम। ठीक है, इसको टिक करेंगे, क्लासरूम प्रोड्यूसर। 150 क्वेश्चन नंबर क्या था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहले इसको आपको पढ़ना है, अ प्लान फॉर इंडिविजुअल लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाई अ लैंग्वेज टीचर। रीजन दिया गया, देयर इज डाइवर्सिटी इन लर्नर इन द लर्निंग ऑफ अ न्यू लैंग्वेज। सही आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से देखते हैं, चौथा विकल्प, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर, जो इसका रीजन दिया गया, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमने देख लिए, अब देखिए टोटल में से आप मिला लीजिएगा कि आपके 150 में से 90 प्लस बन रहे हैं। ठीक है, 90 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप भैया शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, बिहार में जो जूनियर शिक्षक भर्ती आ रही 52,000 पदों पर। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।